आपने ऐड देखी है दोस्तों, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। मैं कब हो गया ये? शाबाश बेटा। जैसे कि आप देख सकते हो कि भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हुई है। वो आपकी आंखों को हर जगह अपनी बेटी नजर आती है। पता नहीं हमारे बच्चे कहाँ होंगे। मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वार रुकवा दी पापा। मैं कब हो गया ये? मोदी जी ने वार रुकवा दी पापा। वार रुकवा दी पापा। ये एक बहुत बढ़िया उदाहरण है दिखाने के लिए कि कैसे मोदी सरकार देश की जनता का ब्रेन वॉश कर रही है। हमारे मोदी जी से महीनों से चल रहा मणिपुर का वायलेंस तो रोका नहीं गया, कहां से रशिया की वॉर रोकेंगे जाकर। ये बात सरासर झूठ है, कोई वॉर नहीं रोकी गई। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वार रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। इस हालात में हम लोगों को गाइडेंस देने के बजाय ये लोग हमारे कॉल्स कट कर रहे हैं एंड दे आर कम्प्लीटली इग्नोरिंग अस। सारे कंट्रीज के सारे गवर्नमेंट्स ने उन लोगों को निकाल लिया है बट इंडियन गवर्नमेंट इज वॉशिंग पाउडर निर्मा। कैसे भी हो वापस लाएगा वो। पापा ने वार रुकवा दी, पापा हमें नौकरी क्यों नहीं देते? लेकिन इस तरीके की इमेज तो जा रही है ना मोदी जी ने वार रुकवा दी। अरे सब प्रोपोगेंडा है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का खर्चा है, इलेक्ट्रिक बॉन्ड का पैसा है, कहीं तो यूज होगा, किसी एक्टर को उठा के बेटी बना देंगे। पापा ने वार रुकवा दी, पापा मणिपुर के दंगे क्यों नहीं रुकवाते? पापा ये लद्दाख के दंगे क्यों नहीं रुकवाते? 21 दिन से बंदा वहाँ पे स्ट्राइक करके बैठा, वहाँ पे क्यों नहीं देखते? देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी सात समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मस्त जोक मारा रे, यह हंस रहे हल्का ठार। कोई बोर नहीं रोकी गई। विदेश मंत्रालय के स्पोक्स पर्सन ने भी यही चीज कही थी। जो स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे थे उनकी कितनी मदद की गई उनसे खुद ही सुन लो। हाँ, जब हम लोगों ने बॉर्डर क्रॉस कर लिया उसके बाद हमारी हेल्प हुई, लेकिन उसके पहले कोई हेल्प नहीं थी। गवर्नमेंट बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है, कोई अपना काम नहीं कर रही है। लेकिन आपको ब्रेन वॉश करने के लिए इनके बिकाऊ एंकरों ने बार बार क्या झूठ चलाया? भारत के कहने पर इस युद्ध को बीच में रोक दिया गया था। इनके आईटी सेल, सोशल मीडिया, गोदी इन्फ्लुएंसर्स सब ने इस झूठ को बार बार दोहराया। रविशंकर प्रसाद ने कहा 3 घंटे के लिए वॉर रुकी थी, राजनाथ सिंह ने कहा 4 से 5 घंटे के लिए, और अमित शाह के अनुसार तो ये वॉर 3 दिन के लिए रुक गई थी। कुछ इस तरीके से अपने फेलियर्स को भी अचीवमेंट्स की तरह दिखाया जा सकता है। सच क्या है यहाँ पर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि सारा मीडिया तो हमारी गोदी में बैठा है। अभी भी समय है दोस्तों, आंखें खोल लो। मैंने कहा था ना, कैसी भी सिचुएशन हो मोदी जी हमें घर ले आएंगे। वॉर रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। देखा, चाहे दो देशों का संघर्ष हो या कोई आपदा, जो रक्षा करे हमारी सात समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। दोस्तों, कुछ दिन पहले बीजेपी की ओर से एक वीडियो जारी किया गया जिसमें रूस और यूक्रेन युद्ध के समय भारत लौट रहे छात्रों को दिखाया गया है, जिसमें एक युवती अपने पिता से कहती है पापा मोदी जी ने वॉर रुकवा दी और हमारी बस निकाली। कांग्रेस प्रतिमंडल ने आज निर्वाचन आयुक्त से मुलाकात की और बीजेपी के कथित भ्रामक विज्ञापनों पर आपत्ति जताई। कांग्रेस ने कहा कि बीजेपी के कई चुनावी विज्ञापन ऐसे हैं जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, इन पर तुरंत रोक लगाई जाए। कांग्रेस ने सार्वजनिक स्थान पर लगे मोदी की गारंटी वाले बैनर का इस्तेमाल पर आपत्ति भी जताई है। दोस्तों, ये लड़की बार बार ट्रोल किया जा रहा है, इस लड़की पर मीम भी बहुत सारी बन रही है। इस पर आपका क्या कहना है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आज तक के लिए इतना ही। जय हिंद। रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा।